नमस्कार दोस्तों, माय गणित जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये तीन बोनसाई प्लांट। ये है हमारा बोगनविलिया का बोनसाई और ये है हमारा जेड प्लांट और ये है हमारा फाइकस का बोनसाई। तो दोस्तों, ये तीनों बोनसाई कटिंग से लगाए हुए हैं। तीनों की कटिंग है बहुत इजी से लग जाती है। कटिंग से ये तीनों प्लांट तैयार किए हुए हैं। आज तीनों प्लांटों को रिपोर्ट करेंगे, इनकी रूट प्रूनिंग करेंगे और जो ब्रांच एक्स्ट्रा है उनकी प्रूनिंग करेंगे। तो ये हमारा जो बोगनविलिया बोनसाई है इसको इसी पॉट में लगाएंगे और ये जो जेड का प्लांट है इसके लिए हमने एक ये छोटी ट्रे ली है। ये देख रहे हैं चीनी मिट्टी की ये छोटी सी ट्रे है, इसमें हम इसको लगाएंगे। और ये हमारी मिट्टी की एक बोनसाई पॉट है, इसमें हम ये फाइकस का लगाएंगे। कोई भी पॉट हो, छोटे या बोनसाई, सभी में होल होने जरूरी है ताकि पानी रुके ना। तो देख रहे हैं इसमें भी आपको दो तीन होल दिखाई दे रहे हैं और इस छोटे पॉट में भी आप होल देख रहे हैं, तो होल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमारा बोगनविलिया प्लांट है, इसको निकालेंगे। बहुत इजी से निकल गया जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट बाउंड हो चुकी है, काफ़ी रूट इसके अंदर आ चुकी है, इसीलिए बहुत आसानी से निकल गया। इसमें होल देख रहे हैं आप, दो होल है इसके अंदर। तो इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी रूट है, इसमें भी रूट बाउंड हो चुकी है जैसा आप देख रहे हैं। और जो ये बीच में आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, जैसे अब ये पत्थर है, ये जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी जेड की तो उसमें ये लगाया था ताकि जो बीच वाली रूट है वो थोड़ा सी ऊपर आ जाए, ऊपर उसको लाने के लिए हमने ये पत्थर लगाया था। ये पत्थर हमने कैसे लगाया था तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है फाइकस का, इसमें भी देख रहे हैं काफ़ी रूट बाउंड हो चुकी है। तो तीनों प्लांट को रिपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। तो पॉट है बहुत छोटे होते हैं इसीलिए स्पेस बहुत कम होता है, इसीलिए रूट बाउंड है जल्दी हो जाती है, इसीलिए समय पर इनकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर रूट प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, रूट बाउंड हो जाएगी तो प्लांट मर भी सकता है। तो इन तीनों को हमने निकाल लिया है। नई सोयल तैयार करेंगे, इसमें हमने 40% गार्डन सोयल ली है और 20% खंगर, या फिर इसकी जगह आप छोटी बजरी भी ले सकते हैं। तो 20% हमने ये ली है, 20% हमने वर्मी कंपोस्ट ली है। आपके पास पत्तों की खाद है या गोबर की खाद है तो आप वो भी ले सकते हैं। 10% हमने रिवर सैंड ली है, रेत, और इसमें हमने एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी नीम खली मिलाई है। तो इसको हम अच्छी तरह अब मिला लेंगे। सोयल बनाने के बाद पॉट में हमारे जो होल है उस पर हम ठिकरी से कवर करेंगे होल को, और ठिकरी से कवर करने के बाद उसमें हम ये सोयल डालेंगे। और सोयल डालने के बाद बीच में हम अपना प्लांट रख के देखेंगे कि सही आ रहा है नहीं, तो बिल्कुल उसको सेट करके फिर उसमें मिट्टी डाल देंगे। और 40% के करीब हम इसकी रूट प्रूनिंग कर देंगे जैसा आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम ये जेड का बोनसाई लगाएंगे, इसकी भी रूट प्रूनिंग करेंगे और इसको इस छोटे से बोनसाई पॉट में लगाएंगे। Thank you.
लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा ब्रांचें हैं लीव है उनको कट करेंगे और एक सुंदर सा लुक देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार फाइकस प्लांट की भी रूट प्रूनिंग करेंगे और एक्स्ट्रा ब्रांचें उनको कट करेंगे और थोड़ा सा अच्छा लुक देने की कोशिश करेंगे। तो तीनों प्लांटों को हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें अच्छी तरह वाटरिंग कर देंगे, फिर ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कम धूप आती हो, जैसे कि ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह पर जहाँ सुबह शाम की धूप आती हो, तो ऐसी जगह पर इसको रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई प्लांट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।